कोरोना के बढ़ते कहर के चलते राजधानी वासी वैसे ही दहशत में हैं। तो वहीं राजधानी भोपाल में ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देख लोगों की दहशत और बढ़ गई है। हम आपको एक वीडियो दिखा रहे हैं। वीडियो है भोपाल के विश्वकर्मा नगर का। वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किस तरीके से एक संदिग्ध व्यक्ति घरों के मेन दरवाजे पर कुछ लगाता हुआ नजर आ रहा है। बार बार व्यक्ति अपने दोनों हाथों को टच करके दरवाजे को बार बार छू रहा है। व्यक्ति मुंह पर गमछा बांधे हुए दिखाई दे रहा है। विश्वकर्मा नगर से एक नहीं बल्कि कई घरों के दरवाजों को इसने टच किया है। वहीं घरों में लगे सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं जहां पर संदिग्ध व्यक्ति को घरों के दरवाजे पर इस तरीके की हरकत करते हुए देखा जा सकता है। ये कोई पहला मामला नहीं है। देश के कई हिस्सों से इस तरीके की तस्वीरें या वीडियो देखने को मिली है जहां के रहवासी दावा करते आए हैं कि ऐसे संदिग्ध लोग घरों में थूक कर या दरवाजे को टच कर कोरोना को फैला रहे हैं। भोपाल के विश्वकर्मा नगर की ये वीडियो फुटेज भी यही बता रही है। इस हरकत के बाद इलाके के लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। वहीं इस मामले पर विश्वकर्मा नगर के रहवासी प्रमोद बता रहे हैं कि यह घटना रविवार की सुबह 11 बजे के आसपास की है। साथ ही साथ विश्वकर्मा नगर के रहवासी प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि पूरे एरिया को सैनिटाइज किया जाए, साथ ही इस संदिग्ध की पहचान कर कानूनी कार्यवाही की जाए। कल 11:45 की घटना है विश्वकर्मा नगर भोपाल में। पिल्ली साहब के मकान में मेन एंट्रेंस गेट में किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा आकर हाथों से कुछ लगाया गया उनके गेट पर, उनके खुलने वाले होल्ड्राफ पर। उसके बाद उसी व्यक्ति के द्वारा उनके पड़ोस के मकान करबे साहब के यहाँ भी मकान का जो गेट होता है मेन गेट, उस पर होल्ड्राफ पर कुछ लगाया गया। ये पूरी घटना पिल्ली साहब के यहाँ सीसी फुटेज है, उसमें पूरी रिकॉर्ड हो गई है। उस घटना के फोटोग्राफ भी हैं जिसको लेकर पूरे विश्वकर्मा नगर में जनता में डर व्याप्त है, भय का माहौल है। इसलिए शासन एवं प्रशासन से हमारा अनुरोध है कि उक्त कॉलोनी को सैनिटाइज किया जाए ताकि जनता भयमुक्त रह सके।